नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, सोच रहे थे 5 बजे निकलने के लिए, मुझे लगे 6 बज गए और सारा सामान तैयार कर लिया, ये बैग और ये आम और थोड़ा सा कट्टे में पता नहीं क्या होगा और जामुन भी है और कुछ बैग रखे अंदर। और आशू को मैंने बताया मगर भाई जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर दो, वो मैं इसलिए करवा रहा क्योंकि रास्ते में फिर रुकना पड़े, एक आध घंटा बिरान हो जाए, एक घंटा तो लग ही जा लगभग होटल पर अगर रुकना पड़ जाए तो, बस सीधा हो जा वहीं पर रुकेंगे जाके। तो बस सामान धरने लगे हैं गाड़ी में और पैकिंग तो मैंने रात ही कर ली थी क्योंकि पता तो था ही कि सुबह ही निकलना है, और बस जाने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी है, क्या करूं, मेरे भी हाथ में नहीं है और मम्मी पापा दोनों को ही छोड़ के जाना, मम्मी भी बीमार है, पापा जी भी, बस पता नहीं, बस ये पल ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं करता जाने का मन, चाहे मैं कितनी बार भी आ जाऊं मैं फिर भी अपने आप को बहुत वो करती हूँ, लेकिन इस यह है जैसा न जैसा मन दुखी हो ही जाता है, बस मैं सोचती हूँ कि अगर मैं भी दुखी होंगी तो मम्मी भी और ज़्यादा होगी, और सच में ही बहुत छोड़ के जाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता लेकिन क्या करें, जाना तो है ही, वही भगवान ने बस ये परंपरा ही ऐसी बनाई है कि लड़की को अपना घर छोड़ कर जाना पड़ता है, और ये एक लड़की की सबसे बड़ी वो है कि दूसरे घर में रहती है, अपना घर छोड़ के अपने माँ बाप चाहे बीमार हो या कैसा हो फिर भी उसकी मजबूरी होती है बेचारी की कि वो छोड़ के जाती है। तो यहाँ देखिए भाई है अभी, तो वो भी शाम को निकल जाएगा, तो बस हम चल रहे हैं और अंकल भी आ गए थे गाड़ी वाले और रामपुर से ही की है हमने गाड़ी, और सच में ही मेरा पूरा रास्ते बहुत मन उदास रहा, और कल मतलब ऐसा ही रहा पूरा दिन, बिल्कुल यूं ही रह गया कि एक दो दिन और रह लेती लेकिन क्या करूँ, मेरे हाथ में तो है नहीं, ये जाना तो है ही एक ना एक दिन, चाहे 2 दिन और रह लो, 2 या 3 दिन रह लो, 1 दिन तो जाना ही है, तो बस चल दिए हम अपने घर की ओर। और यहाँ बच्चे तो थोड़ी देर बाद ही सो गए थे क्योंकि सुबह ही जल्दी उठ गए थे ना, इसलिए वे सुबह वे सो गए थे, रास्ते में 2 घंटे तक सोए रहे, ईशु ज़्यादा देर सो गई थी, एक तो दवाई ले लेते हैं उससे नींद आ जाती है और वैसे भी सुबह जल्दी उठे थे तो इसलिए तो वे सो रहे थे। वाले हैं, बस आधा घंटा और लगेगा हमें, हम पंचकुला पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, पंचकुला से बस आधा घंटा लगेगा, और बच्चे भी उठ गए देखे सो गए, और ये शुभ लग रही है भूख बहुत तेज है ना क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया था, जल्दी ऐसे ही चल दिए थे, मैंने तो खाई भी थी मैंने और इसके पापा ने एक एक रोटी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया दोनों ने, और इन दोनों को लग रही भूख, ईशु को ज़्यादा लग रही, मेरी मम्मा बहुत तेज भूख लग रही, पहुँच तो जाएंगे 8 बज गए हैं, जल्दी 6 बजे चले थे हम क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो होता नहीं, कम ही होता है, तो इस वजह से जल्दी पहुँच जाएंगे, देखते हैं 9 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, क्या लेना बता दे, ब्लू चिप चला दे, तो लेजी से हैं देख के, तो अब हमने रोक लिया है गाड़ी यहाँ पे और जा रहे हैं इसके पापा लेने के लिए इनके लिए, क्योंकि ईशु ने रोना शुरू कर दिया, भूख लग रही जल्दी ला दो, है ना, ईशु को कुछ नहीं मिलता तो रोना शुरू कर देती है। बीच में एक छोटी सी दुकान ये खुल रही है, उस पर सही लाएंगे क्योंकि अभी सुबह ही कोई दुकान मिली नहीं खुली हुई, काफी देर से देखते आ रहे हम, तो देखिए वो एक ठेली सी खड़ी है, उस पर गए इसके पापा लेने के लिए चिप्स वगैरह अगर मिल गए तो, और बस अब देखिए हमारा एरिया शुरू हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, अब पंचकुला आने वाला 10 किलोमीटर रह गया, 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, 8:15 हो गए, 9 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे क्योंकि 10 किलोमीटर रह गया पंचकुला और आधा घंटा आगे लगा लो। अब यहाँ इनके चिप्स आए हैं लेजीज है ब्लू वाले, और कुछ तो मिला नहीं, कह रहे इसके पापा ज़्यादा कुछ नहीं मिला, उस पर नहीं चिप्स वगैरह ही थे तो वही ले आए, हाँ दुकान नहीं खुली, चल इससे इतना तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना ईशु।
और यहाँ देखिए पहाड़ी एरिया शुरू हो चुका है, और जब पहाड़े पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं ना, तो हमें लगना शुरू हो जाता है कि बस पिंजौर अब आने वाला, क्योंकि पिंजौर पहाड़ी एरिया में ही बसता है। और सच में मेरा मन तो आज पूरे रास्ते ऐसे ही रहा, बस यूँ कर रहा था मन की अभी 1-2 दिन और रह लेती। छुट्टी तो थी बच्चों की अभी 1 हफ्ते की, और मैंने इनको बोला भी था कि अभी है, लेकिन बच्चों का होमवर्क रह रहा था, और गुड्डू अभी 9th क्लास में आ चुकी है और उसका होमवर्क ज़्यादा था। तो बस फिर हमने यही सोचा, ये भी कहने लगे कि बच्चे अपना काम कर लेंगे आके, और कहीं पर जाके तो होता ही नहीं, और वहाँ आपने देखा भी होगा कि आने जाने वालों का ज़्यादा था, मतलब बच्चे भी डिस्टर्ब से रहते हैं कहीं जाके, वो रूटीन भी नहीं बन पाता। होमवर्क जो रिटर्न वगैरह था वो तो सारा कर लिया था उन्होंने, लेकिन जो प्रोजेक्ट वगैरह थे उनके वो रह रहे थे। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी 1 हफ्ते का टाइम है, बच्चे भी अपने मतलब काम कुम कर लेंगे, और फिर 1-2 दिन मतलब बच्चों की सेटिंग करने में लगता है, घर जाके साफ़ सफाई करने में लगता है, तो वो सब एडजस्ट हो जाएगा। रहने को तो मैं 2-4 दिन और रह लेती, बस इसीलिए आई कि बच्चों का भी देखना पड़ता है, जाना तो है ही, आज भी कल भी। फिर मैंने सोचा 2 दिन बाद जाऊँगी, फिर भी ऐसा ही होगा, जाना तो है ही। यहाँ देखिए हम पिंजौर में पहुँच गए हैं, और ये देखिए पिंजौर का एरिया शुरू हो गया, और ये है गार्डन, और गार्डन आते ही तो ये लग जाता है कि घर हमारा आ गया। और ईसु ईसु तो उठ के बैठ के अपनी चप्पल जूती पहनना शुरू कर देती है, और शोर मचा दिया कि आ गया। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए अपने मकान पे, अपने घर पहुंच गए, और सबकी हालत ऐसी हो रही, आंसू की और बच्चों की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इन्हें उल्टी वगैरह की दिक्कत है। वैसे तो ये दवाई ले ली, उल्टी लगी नहीं, पर वो दवाई नशे से की है, वह आगे पड़े ही है बस ये, और सामान भी आ गया सारा, वे जो गाड़ी वाले थे वे चले गए, और आंसू अंदर लेटी हुई है। नीरज ने हमारे आने से पहले ही खाने की तैयारी कर रखी पूरी, तो आटा कम रहेगा था, दोबारा आटा बना रहा है, तो ठीक है जी। अब हो गया है दोपहर का टाइम, 2 बज गए देखिए पूरे, और बस अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला, वरना आके ना पड़ गए थे तीनों ही, मैं भी शुभी गुड्डू भी, और थोड़ी देर सोए, बस थकन सी हो रही है आज, तो ऐसा हो रहा, क्यों पता नहीं, जब भी सफर करते हैं ना तो ऐसा ही होता है, आके कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होती, अब भी ऐसा लग रहा कि लेट जाऊं। तो दो सुबह के टाइम तो नीरज भैया ने बना दिया था नाश्ता, परांठे यहीं बना दिए थे जब हम आए थे, और अब आया है उधर से खाना, उधर से इंदू ने बना के भेजा, देखती हूँ क्या क्या भेजा, बना के दिखा देखूँगी। ये लाए इसके चाचू खाना, ये है चावल, 2 टिफिन में चावल है, और ये है दाल ऐसा है देखूँ। और ईशु तो उधर ही चली गई थी ना दो के, क्योंकि हाँ दाल है साबुत मसूर वाली दाल। और खाना तो देखिए आ गया, अब मैं सबको दे देती हूँ खाना, क्योंकि गुड्डू बहुत देर से कह रही मम्मा भूख लग रही, और ईशु उधर ही चली गई थी ना दो के अपने चाचू के साथ, क्योंकि वो रुई नहीं मिली थी ना उसे, रुई के बिना वो परेशान हो रही थी, कह रही मम्मा मैं उधर जाऊँ। कृष्णा तो आ गया था इधर, रुई पीऊ नहीं आए थे, तो मैं कहा चल थोड़ी देर खेल लिया, शाम को आ जाएगी। तो जी खाना आ चुका है, मैं दे देती हूँ सबके लिए, लगा देती हूँ इसके पापा चाचू कन्हैया और गुड्डू और मैं, तो लगा दूंगी फटाफट। तो खाना खुना खा के मैं बर्तन करके फिर लेट गई थी दोबारा, और अब है शाम का टाइम, बस शाम के टाइम सबके लिए बना दूंगी चाय, इसके चाचू भी काम कर रहे हैं ऑफिस में दोनों, और मैं भी थकन सी तो हो ही रही थी सुबह से, आज ऐसे ही पड़े थे, वही नींद सी, एक तो चक्कर आते हैं, दूसरा जो दवाई लेते हैं ना तो उससे पता नहीं क्यों नशा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं जाता। तो बस फिर शाम को अपने उठ के मैंने चाय चूहे बनाई, फिर चाय पी बैठ के, फिर अपना खाना खुना बनाया शाम का, बस इसी तरह से आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया।
और जिस दिन कहीं से आते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ना कुछ काम होता ना मन लगता, और मन भी नहीं लग रहा। मैंने सुबह से 2-3 बार तो मम्मी के पास फ़ोन कर लिया, मैंने कहा मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा। मम्मी भी समझा रही कि बेटे ऐसा नहीं करा करते, कुछ नहीं वहीं रहना अब तो, ऐसा नहीं टेंशन नहीं ले करते, और लग जाएगा 1-2 दिन में जब अपना काम में लग जाएगी। वही है, मैं तो समझाते ही हैं लेकिन फिर भी अपने को लगता है। तो जी शाम का टाइम हो गया, बस अब मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।